आज हम देखेंगे कि सामने भूत आ भी जाए तो क्या किया जा सकता है। एक गांव में मन्नू मलिक नाम का एक आदमी रहता था। उसकी गांव और शहर के बीच एक जंगल था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के पास बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था। उस पेड़ पर चंपा नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। जो भी वहां से गुजरता चंपा उसे मारकर खा जाती थी। एक दिन मन्नू कुछ सामान खरीदने शहर गया था और शहर से लौटते लौटते अंधेरा हो चुका था। वो कुछ देर आराम करने के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। इतने में चंपा चुड़ैल मन्नू के सामने आके खड़ी हो गई। मला भूख लगेली, आज तो तुझे मार कर खा जाऊंगी। कुछ देर सोचकर चंदू हंसने लगा। अरे बाबा करे क्या दीवाना, जब भी कोई भूतनी देखू गाऊं मैं ये गाना, अरे बाबा। एड़े चुप, सटक गला है क्या? अखा गाँव डरता है मेरे से इधर। तो मुझे खाने आई है यहाँ, देख मैं तुझे कैद कर लूंगा। मेरे पास 100 से भी ज्यादा भूतों की आत्मा कैद है। मैं चाहूँ तो तुम सारे भूतों की आत्मा को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। ए शाणे, पागल बना रहा है क्या? समझ जा, तू भी मेरी कैद में है। है? ये देख। ये तो सच बोल रहा है। मेरी आत्मा इसी के पास है, अब क्या करूं? भाई आपके हाथ जोड़ती हूँ, जो तू बोलेगा मैं वही करेगी। तू मेरी आत्मा को आजाद कर दे, तू ये सारा खजाना भी ले जा। चल छोड़ देता हूँ मैं तुझे, इतनी बोल रही है तू, पर कभी इधर दिखाई भी मत देना, समझ गई? वरना आग लगा दूंगा। इसके बाद चंदू सारा खजाना लेकर अपने गांव लौट आया। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी कोई आफत आन पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, शांति से सोचकर समस्या का हल निकालना चाहिए। आज हम देखेंगे कि दूसरों को कष्ट देकर जीने का क्या नतीजा होता है। एक गांव में एक मच्छर और एक मधुमक्खी थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मधुमक्खी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, किसी को कोई नष्ट दिए बिना खुद कष्ट उठाकर वो अपना खाना खुद कमाती थी। लेकिन मच्छर वैसा नहीं था। वो हमेशा दूसरों को काटकर का खून चूसकर जीता था। यहाँ तक कि जब वो किसी मनुष्य को काट कर उसका खून चूसता था, उस परेशान मनुष्य को देखकर मच्छर बहुत हंसता था। एक दिन जब मच्छर और मधुमक्खी मिलते हैं, मच्छर मधुमक्खी को सलाह देता है। ए मधु, तुम इतनी तकलीफ उठाकर अपना खाना क्यों ढूंढती हो? मुझे देखो, कितना आसानी से खाना मिल सकता है। मधुमक्खी बोली, मुझे इस तरह किसी को कष्ट देकर अपना खाना नहीं लेना है, और मनुष्य के खून को पीने जैसा गुण तो मुझ में है ही नहीं। मैं तो इसी में खुश और संतुष्ट हूँ। इतने में कुछ दूरी पर एक मनुष्य आता हुआ दिखा। उसे देखते ही मच्छर बोला, अब देखो मैं कितनी आसानी से अपना भोजन लाता हूँ। ये कहकर वो मनुष्य के शरीर पर बैठ गया। जैसे ही उसने मनुष्य को काटा, मनुष्य ने उसे ठप करके मारा और एक ही बार में वो मच्छर मर गया। अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर मधुमक्खी को थोड़ा दुख तो हुआ, पर उसने सोचा कि अगर हम अपने जीवन यापन के लिए
किसी को तकलीफ देंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के कष्टों पर जिएंगे तो लोग भी हमें कष्ट देने की राह देखेंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।